14 नवंबर को यूपी की बेटी ने संसद भवन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। दरअसल शाहजहांपुर जिले की रहने वाली छात्रा कल्याणकारिणी पांडे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भाषण दिया है। कारिणी पांडे शाहजहांपुर के मेहमंद जलाल नगर की रहने वाली हैं और जीएफ कॉलेज में बैचलर्स के दूसरे साल की स्टूडेंट हैं। बता दें, छात्रा कल्याणकारिणी पांडे का सिलेक्शन बीते 7 नवंबर को आयोजित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ है। जिस कार्यक्रम में छात्रा का सिलेक्शन हुआ है, वो कार्यक्रम राष्ट्र नेताओं को उनके जन्मदिन पर संसद भवन में श्रद्धांजलि देने में देश के युवाओं की सहभागिता के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 10 प्रदेशों से एक एक छात्रा या छात्र को बुलाया गया है, जिसमें यूपी से कारिणी पांडे को चुना गया था। बैचलर्स की छात्रा कल्याणकारिणी पांडे ने अपनी बात को लोकसभा अध्यक्ष और अतिथियों के सामने रखा और अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का जिक्र किया। इसके अलावा उन्हें संसद भवन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राजघाट का भ्रमण भी करवाया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।